हमीरपुर के बचत भवन में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों से नियुक्त मतदाता जागरूकता मंच के नोडल अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों तथा बीएलओ सुपरवाइजरों को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल व बीएलओ ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने व उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। मतदाता सत्यापन कार्यक्रम 1 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से स्थानीय बचत भवन में आयोजित मतदाता सत्यापन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से नियुक्त मतदाता जागरूकता मंच के नोडल अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों तथा बीएलओ सुपरवाइजरों को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल व बीएलओ ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर प्रशिक्षित किया गया। मतदाता सत्यापन कार्यक्रम 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है तथा इसके बाद मतदाता नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया जाएगा। निर्वाचन कानूनगो किशोर कुमार ने कहा कि नोडल अधिकारी अपने अपने विभागों में प्रत्येक कर्मचारी को मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपना तथा अपने परिवार से संबंधित लोगों का मोबाइल के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र ऑनलाइन देखकर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि को दूर कर सके। इससे यह कार्य पूर्णतः पेपरलेस हो जाएगा तथा लोगों के दंड तथा समय की भी बचत होगी और उन्हें संबंधित कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से अपने तथा परिवार के सदस्यों के मतदाता पहचान कार्ड की हर प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं तथा उसमें त्रुटियों को भी समय से शुद्ध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सत्यापन कार्यक्रम से संबंधित जानकारी लोक मित्र केंद्र, सीएससी, तहसीलदार निर्वाचन, संबंधित एसडीएम कार्यालय तथा मतदाता सत्यापन केंद्र से भी प्राप्त की जा सकती है। इस दौरान डाटा एंट्री ऑपरेटर संतोष कुमारी, असिस्टेंट प्रोग्रामर मनीषा तथा वीरेंद्र सिंह ने भी मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की उपस्थिति लोगों की जानकारी दी। वर्कशॉप है ये इलेक्ट्रिक वेरिफिकेशन प्रोग्राम के लिए कॉल करी है, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग आए हैं, ऑफिस के लोग भी हमने कॉल करे हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, बीएलओ सुपरवाइजर्स हैं, बीएलओस हैं, साथ में अन्य विभागों से आए हुए लोग हैं जिनको हम ट्रेन करेंगे इलेक्ट्रिक की वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वो कमीशन का ऑनलाइन प्रोग्राम है जो कि 1 सितंबर से 15 अक्टूबर 2019 तक चलेगा और इसमें हर एक मतदाता जो है ऑनलाइन अपनी वेरिफिकेशन कर सकता है। अगर उसके नाम में कोई गलती है तो उसको वो ठीक कर सकता है, नाम डिलीट कर सकता है डेड बॉडीज का, और साथ में एडिशन भी वो अपने नाम में जो फैमिली के मेंबर्स 18 साल के हो जाएंगे अभी 1 जनवरी 2020 को, उनकी एडिशन भी वो कर सकता है। तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम जो है ये कर रहा है, इसमें हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहे हैं लोगों को प्रैक्टिकली ताकि वो इस चीज़ को कर पाएँ ठीक से।